हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी थर्ड के चैप्टर 15 में आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्पर्स का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टूडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कम्युनिटी हेल्पर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जो एज ए कम्युनिटी हमारी हेल्प करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। द टीचर, द डॉक्टर, द पोस्टमैन, द पुलिसमैन एंड ट्रैफिक पुलिस, सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स वार्म अप सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। हाउ कैन यू हेल्प योर मदर एट होम, डिस्कस एंड राइट हियर। आप घर में अपनी मदर की कैसे हेल्प करते हैं, आपको यहाँ पे वो तरीके लिखने हैं। एंड डू यू थिंक यू आर अ हेल्पफुल चाइल्ड, और उसके बाद आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि आप एक हेल्पफुल चाइल्ड हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हम अकेले नहीं रह सकते, हमारे आस पास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी अलग अलग तरीकों से हेल्प करते हैं, वो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल, कम्फर्टेबल एंड सेफ बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आज ऐसी ही कम्युनिटी हेल्पर टीचर के बारे में। एजुकेशन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और जो पर्सन हमें एजुकेट करता है, जो पर्सन हमें एजुकेशन देता है, वो है टीचर। टीचर्स हमें लिखना और पढ़ना सिखाते हैं, वो हमें इंकरेज करते हैं कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि डांस, म्यूजिक, थिएटर, इलोक्यूशन, पेंटिंग या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। स्कूल में हमारे टीचर्स जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स होते हैं, हम उनसे गुड हैबिट सीखते हैं, गुड मैनर्स सीखते हैं, वो हमें गुड सिटीजन बनने में हेल्प करते हैं, और वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और नीडी की हेल्प करनी चाहिए। टीचर्स हमें कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट बनाते हैं, वो सभी बच्चों को इक्वली लव करते हैं, और हमें भी अपने टीचर को लव एंड रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर साल 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनकी मेमोरी में मनाया जाता है, और हम इस दिन का हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर। हर सिटी में छोटे और बड़े सभी तरह के हॉस्पिटल होते हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर हमें अच्छे से एग्जामिन करते हैं एंड देन हमारे लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वो हमें बहुत सारी डिजीज से बचने के लिए वैक्सीनेट भी करते हैं, जैसे कोलरा, टाइफाइड, मीजल्स, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस। अगर हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर उस पर मेडिसिन लगाते हैं, और जो वूंड होता है उसको बैंडेज, उसके चारों तरफ बैंडेज को रैप कर देते हैं। वो हमें भी बताते हैं कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए और हमें कैसा खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे हम और बीमार ना पड़े। वो रिच एंड पुअर दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। बिग विलेजेस में डिस्पेंसरीज और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, लेकिन जो स्मॉल विलेजेस होते हैं उसमें डिस्पेंसरीज नहीं होती, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो मोबाइल डिस्पेंसरीज भेजती हैं, जिससे वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनको भी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। और मोबाइल डिस्पेंसरी एक वैन होती है जिसमें एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है और मेडिसिन होती है। कभी कभी मेडिकल कैंप्स भी विलेज पीपल के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रिवेंशन बेटर होती है क्योर से। और डॉक्टर ऑलवेज एक हम्बल पर्सन होते हैं, और वो सभी को इक्वली लव एंड रिस्पेक्ट देते हैं। कुछ डॉक्टर्स एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी ट्रीट करते हैं, इनको बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स, और इनके लिए सेपरेट हॉस्पिटल होते हैं, मतलब ये ह्यूमन हॉस्पिटल से सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन एक पर्सन होता है जो हमारे लेटर्स हमें डिलीवर करता है। पोस्टमैन क्या करता है, लेटर बॉक्स से लेटर कलेक्ट करता है और उसको फिर कहाँ लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। उसके बाद वो लेटर सॉर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिटी एंड एड्रेस, और फिर वो एयरवेज या रेलवे से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाए जाते हैं। वो लेटर्स जो पोस्ट ऑफिस में रिसीव होते हैं, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में रिसीव होते हैं, वहाँ का जो पोस्टमैन होता है वो उनको सॉर्ट आउट करता है अपनी लोकेलिटी के हिसाब से एंड देन उनको डिलीवर करता है। पोस्टमैन मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स भी डिलीवर करता है। हमारी कंट्री में स्पेशली अगर हम विलेजेस की बात करें तो एक पोस्टमैन को कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है टू डिलीवर द मेल। और पोस्टमैन की जो ड्यूटी होती है वो बहुत हार्ड होती है। हर मौसम में पोस्टमैन को अपना काम करना होता है, इसलिए हमें हमेशा पोस्टमैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज द पुलिसमैन।
पुलिस का हमारी सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. उन्हें हमारी सोसाइटी का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उनको मेंटेन करना होता है. वो हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी को भी सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. हर सिटी में हेडक्वार्टर्स होते हैं, पुलिस स्टेशंस होते हैं और पुलिस मोबाइल वैन्स होती हैं जो डिफरेंट एरियाज कवर करती हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम 100 डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं. और पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो होता है SHO, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, या फिर हम उसे हिंदी में थानेदार भी बोल सकते हैं. बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स, पुलिस मैन और पुलिस वुमेन SHO के अंडर काम करते हैं. उनके पास फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं और वो उनके पास जिस एरिया में उनकी पोस्टिंग होती है उसका डिटेल प्लान होता है, जिससे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है. नेक्स्ट इज ट्रैफिक पुलिस. बड़े बड़े सिटीज जो है उन वहाँ पे पुलिस को गाइड किया जाता है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें, रोड के जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करें, इसलिए उनको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है. वो भी बताते हैं कि हमें कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और वो हमें बताते हैं कि कौन सी गाइडलाइन फॉलो करके हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, वो हेल्प करती है वुंडेड पर्सन को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए. इसलिए हमें हमेशा रोड पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें पुलिस की हेल्प करनी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक का रोल प्ले करना चाहिए. सो स्टूडेंट, ये था कम्युनिटी हेल्पर्स का चैप्टर. आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं अपने लेट्स डू इट यानी कि एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ और देखते हैं लेट्स डू इट सेक्शन में आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पर्सन हु गिव्स अस एजुकेशन इज कॉल्ड अ टीचर. सेकेंड, वेन वी आर अनवेल वी विजिट अ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट. द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स, टेलीग्राम, मनी ऑर्डर्स, यानी कि ऑल ऑफ दीज फ्रॉम द लेटर बॉक्स. फोर्थ, द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स इज कंट्रोल्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस. डी देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. अब इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड फिल करना है. फर्स्ट, द गवर्नमेंट सेंड्स मोबाइल डिस्पेंसरीज इन विलेजेस. सेकेंड, द टीचर्स डे इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन. इनकी स्पेलिंग आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. थर्ड, द एनिमल्स इन बर्ड्स आर ट्रीटेड बाय द वेटरनरी डॉक्टर. फोर्थ, टीचर्स मेक अस टू बी रिस्पॉन्सिबल. सी देखते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट. अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दे गए हैं, आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है एंड बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. फर्स्ट, देयर आर कॉमन हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल एंड पीपल. फॉल्स. टीचर्स वॉन्ट अस टू बिकम गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ट्रू. वी शुड रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेट विद द पोस्टमैन. ट्रू. एंड फोर्थ, The postman has to do his work only in summer season. False. So students, this was a chapter. I hope aapko complete chapter with exercise अच्छे से समझ में आ गई है. And ये आपकी SST 3rd की book का आज last chapter था. इसके बाद हम मिलेंगे SST 4th की videos में. तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा and bye bye.